पुष्पेंद्र झांसी में, पुलिस ने उसकी हत्या की, उसे हाईकोर्ट जाना पड़ा, एक साल हाईकोर्ट के चक्कर लगाए उसने, और तब जाकर के उसे न्याय मिला, एफआईआर दर्ज हुई। उसकी पत्नी ने आत्महत्या इसलिए कर ली, उसकी पत्नी ने कहा कि मैं, मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आप बड़ी बड़ी संस्था बनाकर के उद्घाटन करके किसको क्या दिखाना चाहते हैं आप, और किसी की तारीख हो, जन्म की तारीख हो, किस पे आप उद्घाटन कर रहे, कोई मतलब नहीं उसका। आप झूठी कहानी कितनी भी पढ़ दो, और आप तो ये भी कहते होंगे कि वो तैर करके पानी से निकल करके आ गए। आप इतिहास पढ़ना, पानी में कहां तैरे थे,